ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको आईटीआई चौक से दिखा रहे हैं। कैथल डिपो की ये बस है और शीशा इसका टूट चुका है। गाड़ी का नंबर है HR64A7201 और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बच्चे हैं। कई बसें यहाँ पर थमी हुई है, रफ्तार थम गई है। क्या हुआ, जो कंडक्टर है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपकी डिपो की 15-20 बच्चे चढ़े थे जी, चढ़ते ही हुए महा टिकट ले लो, बोले नहीं लेते, वो नीचे उतर गए अपने आप। उतरते ही उन्हें टोटा मारा, असवारियों को लगे और हमारे भी सिर में शीशा गड़ा हुआ है। सभी सवारियों से पूछ सीखे है, ये जितनी सवारी है ये बताएंगे, बता दे बच्चों। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कैथल से दिल्ली जा रहे थे जी हम, यहीं से चढ़े थे चौक से, और चौक से ही चढ़ जाए, टिकट लेने के लिए मना कर दिया, उतरते इनको पत्थर लगा दिया। कहाँ उतरना था उन्होंने? उन्हें ग्राउंडा जाना था। स्टूडेंट थे? नहीं, आए थे को खेल कूद कुछ भी थे, पता नहीं स्टूडेंट थे, आईटीआई वाले थे, आईटीआई वाले बच्चे थे। बोले हम टिकट नहीं लेते, बस उसको टिकट मना करने, हम साइड में लगाई, मैं टिकट ले, उतर गए। पुलिस को जानकारी दी आपने? अरे मिली नहीं, नंबर नहीं मिल रहा जी। तो 15-20 बच्चे थे जिनको टोटा उठाते ही लगा दिया, सवारियों को भी शीशा लग रहा है। फिर उसके बाद इसलिए लगा जी, कोई प्रशासन आए कुछ तो, ऐसे तो हमें मार ही देंगे जी। आपका नाम? नरेश जी। बस के अंदर कौन था उस वक्त? क्या क्या हुआ, क्या हुआ? हम यहाँ से चढ़े और बच्चे उतरे, ये बोले कि भाई आप उतरो उतरो, अगर आप टिकट नहीं ले रहे तो उतरो। ये बोले कि टिकट लो टिकट लो, ये बोले नहीं। उन्होंने क्या, इन्होंने वो सवारी उतरी, वो लड़के उतरे वहां से, उन्होंने पत्थर उठाया ढंक दे, यहाँ पे हम बैठे हुए थे, पत्थर लगा एक लड़के को, पत्थर लग रहा है। लेडीज भी है हमारे साथ जो इस बस में थी। क्या हुआ सर? यहीं से चौक से ही कुछ बॉयज चढ़े थे आईटीआई के, और उन्होंने एकदम से बोला कि हमने टिकट नहीं लेनी। जैसे कंडक्टर ने बोला टिकट लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम टिकट नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा अगर टिकट नहीं लेनी तो उन्होंने साइड में बस लगा के कह दिया तुम उतर जाओ, टिकट लेनी पड़ेगी। तो वो उतरे, उतरते ही उन्होंने जैसे ही बस चली पीछे से इतनी जोर से पत्थर मारा कि 7-8 सीटे आगे तक पत्थर गया, और आगे एक लेडीज बैठी थी उसके बिल्कुल कान के पास से पत्थर निकला। सारे लड़के थे वो? हाँ जी, सारे लड़के थे, उसमें कोई लेडीज नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, सारे लड़के थे, 7-8 लड़के थे। स्टूडेंट्स थे? हाँ जी स्टूडेंट्स थे। तो बस के अंदर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये रोडवेज की बस है जो कैथल से दिल्ली की तरफ जा रही थी, शीशा टूट चुका है। ये बस के तमाम लोग, तमाम सवारियां, पत्थर मारा, पत्थर आया जी, पत्थर आया था, किसी को लगा भी है पत्थर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर आया और फिलहाल बस को बीच में रोक दिया गया है। बस जो है कैथल से वाया करनाल पानीपत होते हुए दिल्ली जा रही थी, और गुस्सा है तमाम रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनमें, और जो ड्राइवर हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बैठा था जी, मेरे पत्थर लगे थे पीछे से। कितने युवक चढ़े थे? 15-20 जने थे जी। हाँ ये बोले भी टिकट नहीं लेंगे जी, हम गरुंडा जाना, टिकट बदल के फिर उन्होंने उतर के पत्थर मारने शुरू कर दिया जी। हाँ जी, कहाँ से चढ़े थे युवक? पास में से चढ़े थे, इधर के लिए भाग गए। 15-20 जने थे, चढ़े थे पुल के नीचे। ड्राइवर कौन है बस का? ड्राइवर बोल रहा, बस के ड्राइवर से भी हम बातचीत। क्या हुआ भैया, बस रोकी आपने? बस रोकी, ये आईटीआई के लड़के चढ़ गए, तो वे बोले टिकट ले ले कंडक्टर, वे बोले हम नहीं लेते, उतर के न और गाड़ी चलाने लगी, था का पत्थर मारा। पास भी नहीं था उनके दौरे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पास होता तो आप जाने देते हो? कोई दिक्कत नहीं, पास तो होता ही है, पास होता तो जा सकते थे ना, कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं। स्टूडेंट थे सारे? हाँ सारे स्टूडेंट थे, आईटीआई वाले थे, लगभग 20 थे। तो पहले भी इस तरीके की बातें? नहीं कुछ नहीं हुई, हमारे साथ कोई पहली बार हुई थी। यहीं से चढ़े यहीं उतर के जी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। आप देख सकते हैं तमाम बसें यहाँ पर रुकी हुई हैं, जाम लगा हुआ है। दरअसल होता क्या है, बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं जो इस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। वो स्टूडेंट्स से, कहाँ के वो स्टूडेंट्स से, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो बस की सवारियां हैं वो क्या आरोप लगा रही थी वो आपने सुना, और आप देख सकते हैं दूर तक लंबा जाम लग चुका है। दरअसल होता क्या है, कैथल डिपो की जो बस है वो आती है, वो यहाँ से
निकलती हुई आती है, यहाँ पर बस बकायदा रुकती है, यहाँ से तमाम स्टूडेंट्स चढ़ते हैं। इस बस को आगे जाना था, ये बस करनाल में रुकती है, करनाल में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो चढ़ते हैं इस बस के अंदर, और अब आप देख सकते हैं कैथल डिपो की जो बस है वो जाती हुई नजर आ रही है। तमाम जो बस के ड्राइवर थे, जो कंडक्टर था उसमें गुस्सा था, आम पब्लिक में गुस्सा था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बस को एक बार फिर से रोक दिया गया है, यानी कि बाकी ट्रैफिक चला जाए लेकिन यहाँ पर कार्रवाई होनी बनती है, क्योंकि इस बस को बीच में हॉरिजेंटल वे में खड़ा कर दिया था क्योंकि गुस्सा नज़र आ रहा था। और फिलहाल जाम की स्थिति यहाँ पर जरूर बनी हुई है, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहले भी इस तरीके की बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारे युवक बस के अंदर चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं लेते हैं, कंडक्टर कहता है टिकट ले लीजिए, ना उनके पास पास होता है, और उसके बाद बहस भी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा प्राइवेट बस वालों के साथ देखने को मिलता है, कई बार ऐसा सरकारी बस वालों के साथ देखने को मिलता है। कौन थे वो शरारती तत्व जिन्होंने ईंट उठाई, पत्थर उठाया और मार दिया बस में? महिलाएँ अंदर बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे अंदर बैठे थे, लोग अंदर बैठे थे, पत्थर शीशे को तोड़ते हुए आगे जाता है, महिला के कान के पास से गुजरता है। समझ सकते हैं आप, किसी महिला किसी बच्चे के सिर में लग जाता तो कितना खून निकलता और फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता। इस तरीके की बात होती है तो आराम से सुलझाएं, प्यार से सुलझाएं, टिकट लेनी ज़रूरी है, टिकट नहीं लेंगे तो फ्लाइंग आएगी, आपका चालान काटेगी, फाइन लगाएगी, आप पास बनवा लीजिए। लेकिन किनके कारण ये हुआ, उनको उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाम खुलने के बाद आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं, तमाम बाकी जो वाहन हैं अब यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं अक्सर करनाल के अंदर देखने को मिलती है, कई बार ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि बसें रुकती नहीं हैं, ये शिकायतें स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिलती है। आज जो शिकायत देखने को मिली वो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, चालक हैं और साथ ही साथ जो परिचालक हैं उनकी तरफ से देखने को मिली। उन्होंने बताया कि कई स्टूडेंट्स चढ़ते हैं, कौन थे वो स्टूडेंट्स इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनसे कहा जाता है कि टिकट ले लीजिए, आपने घरौंडा तक जाना है, या तो पास दिखाइए, ना ही वो पास दिखाते हैं और ना ही वो टिकट लेते हैं, जिसके बाद गाड़ी थमती है, वो नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही एक बड़ा पत्थर उठाते हैं और पत्थर मार दिया जाता है बस की बैक साइड पर, एक बड़ा होल हो जाता है और जो शीशा है वो टूट जाता है। पत्थर किसी महिला किसी बच्चे किसी सवारी को भी लग सकता था। समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बस में सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्हें कैथल से जाना था सीधा दिल्ली, अगर बीच में किसी को पत्थर लग जाता और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता तो उसके परिवार वाले भी चिंतित हो जाते। पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेने की ज़रूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है अगर कोई शिकायत देता है तो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।